प्रणिपात, मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की वीडियो बनाने वाली हूँ। मेरे जो व्यूअर्स है या फिर सोशल मीडिया पर जो फॉलोअर्स है, वो कभी कभी मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उन सब क्वेश्चंस की मैं आंसर देने वाली हूँ। गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के लिए या फिर आर्ट कॉलेज के बारे में मैंने कुछ वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों का कुछ डाउट था, जो उसके बाद भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं। आर्ट कॉलेज के बारे में भी कुछ डिटेल डिस्कस करूँगी, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं उनके बारे में। सो गाइज, अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते थे, आर्ट कॉलेज के बारे में कुछ क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, शायद आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। गाइज, ये मेरी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की वीडियो है, तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा, और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्मिथ 7106, व्हेन डू यू स्टार्ट मेकिंग ड्राइंग और पेंटिंग दी। तो ये पूछते हैं मैंने कब से ड्राइंग करना स्टार्ट किया। तो एकदम बचपन से, मतलब चाइल्डहुड से, मुझे एज ठीक से याद भी नहीं है, जब से मैं स्कूल जाना स्टार्ट करी हूँ। स्कूल मतलब क्या, नर्सरी के जी होता है। तो जब से मैंने वहाँ पर शुरू किया है, जहाँ तक याद है मुझे, क्योंकि एकदम बचपन का तो याद नहीं रहता, तो तब से मैं ड्राइंग भी करती थी। मैं कभी कोई ड्राइंग स्कूल में अलग से नहीं गई सीखने के लिए, तो बचपन से खुद से ही ड्राइंग करती थी। मेरी फैमिली की ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मुझे अलग से कोई एक्टिविटीज़ के लिए अलग से क्लास करवा सके, सो बस खुद से ही ड्राइंग करती थी। मुझे अच्छा लगता था ड्राइंग करने में, तो इसलिए। और अभी आर्ट कॉलेज में स्टडी कर रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं जमालुद्दीन, आप कौन सा डिपार्टमेंट में हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आर्ट कॉलेज में स्टडी करती हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। सो मैं डिज़ाइन वुड एंड लेदर डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं श्रेया मधुकल्या, हेलो अपर्णा, योर आर्ट वर्क इज़ अमेजिंग, आई एम 12th पास स्टूडेंट एंड आई हैव एन इंटरेस्ट इन जॉइनिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, बट आई एम फाइंडिंग डिफिकल्टीज इन दैट। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड हेल्प मी फॉर गाइडिंग मी द एडमिशन प्रोसेस एंड शेयर योर एडमिशन प्रोसीड्योर। आई वुड लव टू हैव अ चैट विथ यू फॉर गेनिंग सम नॉलेज, थैंक यू। सो थैंक यू श्रेया फॉर योर वर्ड्स। तो ऐसे ही और भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पूछते हैं ऐसे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो ये भी चाहती है गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना, जो कि है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता। तो अगर आप भी चाहते हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, तो मैंने पहले से ही बहुत वीडियो बना रखा है, एकदम डिटेल डिस्कस किया है वहाँ पर, आप जाकर उसे जरूर चेकआउट करो। आई होप आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो मैं एकदम शॉर्टली बता देती हूँ, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको वेबसाइट फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है gcac.edu.in। आप उस वेबसाइट में जाइए और उसे चेकआउट कीजिए। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है, वहाँ पर फॉर्म फिलअप कीजिए, अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कीजिए, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उसे डाउनलोड कर लीजिए, और एग्ज़ाम का तारीख वो लोग दे देंगे, और उस तारीख में जाके आपको कॉलेज में एडमिशन टेस्ट देने होंगे, जो कि ड्राइंग के ऊपर होगा। वहाँ पर एक मॉडल स्टडी होती है, मतलब फिगर स्टडी, जो सामने बैठी होती है, और डिपार्टमेंटल वाइज एक और एग्ज़ाम होती है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, फिर वाइवा और थियोरी का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर से सिलेक्शन होता है फाइनल। सो मैंने एकदम शॉर्ट में आपको बताया, अगर आपको पूरा डिटेल जानना है क्या ऐसे होता है एग्ज़ाम वगैरह, सब कुछ आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्रेयान विश्वास ने बंगाली में, तो मैं बंगाली में बताती हूँ। दीदी आमी एबार गवर्नमेंट कॉलेजे एग्ज़ाम देबो, तुम्ही आमा एकटू हेल्प करबे जे की करते पारी आमी। आमी शुनेछी जे कम्पोजिशन करते हबे वन्स टाइपेर, तो सेगुलो केमन होते हबे एकटू बोलबे। आर बोलछी जे भाईबाते की रकम कोश्चेन करे, माने बोई थेके कोनो कोश्चेन, प्लीज़ हेल्प करो दीदी। सो ये पूछ रही है, ये भी आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, और वहाँ पर जो एडमिशन टेस्ट के समय कंपोजिशन करने को देते हैं ड्राइंग करने को, और जो वाइवा टेस्ट लिया जाता है वो किसके ऊपर होता है और कैसा होता है, जो कंपोजिशन होता है उसका सब्जेक्ट कैसा होता है, तो ये वो पूछ रही है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कैसा कंपोजिशन वहाँ पर देते हैं, तो मैंने पहले भी बताया, उस वीडियो में मैंने सारा डिस्कस किया, लेकिन अभी बता देती हूँ। जो सब्जेक्ट कंपोजिशन होते हैं, मतलब आपको एक कंपोजिशन बोल देंगे या सब्जेक्ट बोल देंगे, उसके ऊपर बेस करके आपको पूरा ड्राइंग करना होगा। और अगर वो बोलेंगे कि वाटर कलर करना है तो वो भी करना होगा, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट में, जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट बताती हूँ, बाज़ार का सीन या फिर रोड साइड कोई सीन, तो वहाँ पर आपको मिनिमम 3 फिगर ड्राइंग करने होंगे, ह्यूमन फिगर, उसके साथ एक
एनिमल फिगर, आप उससे ज़्यादा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं। सो उस ह्यूमन फिगर को सजा के आपको पूरा जो कंपोजिशन वो बनाना होगा। तो कैसे कैसे सब्जेक्ट आते हैं, कोई फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल मतलब कोई भी फेस्टिवल, पूजा हो या ईद हो या फिर क्रिसमस हो, कोई भी फेस्टिवल आप प्रैक्टिस करके रखो। इसके साथ कोई हेरिटेज बिल्डिंग का ड्राइंग, दुकान की ड्राइंग, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसके ऊपर भी कोई ड्राइंग दे सकते हैं वो लोग कि इंडोर में अभी आप कैसे काम कर रहे हो लॉकडाउन की वजह से, घर पे हो तो उसका कोई सीन, घर के अंदर का सीन, रिसेंट कोई इंसिडेंट। तो अभी बाहर तो इतना कुछ चल रहा है, ठीक है, तो ये जो पैनाडेमिक सिचुएशन चल रहा है इसके ऊपर भी आ सकता है। कोई रिसेंट इंसिडेंट मतलब कोई भी इवेंट हुआ होगा या फिर कोई इंसिडेंट घटा होगा उसके ऊपर हो सकता है। कुछ लोग काम कर रहे हैं उसका सीन हो सकता है, कारपेंटर हो सकता है, कारपेंटर कैसे काम कर रहे हो उसका सीन हो सकता है, कोई पक्षी का दुकान होगा जो पक्षी बेच रहा होगा ऐसा कोई सीन हो सकता है। तो कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स, ठीक है, और कोई कुछ लोग खेल रहे हैं, तो ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं और भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो आप सारे सब्जेक्ट को जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो। उसके साथ मेनली प्रैक्टिस करो, कोई भी ह्यूमन आप किसी भी एक्शन में उसको दिखा सकते हो, मतलब इतना ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस करो कि आपको जो भी सब्जेक्ट बोले आप उस एक्शन वाइज उस फिगर को सजा सको, मतलब उसके एक्शन से पता चल जाएगा कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है या फिर वो क्या कहना चाह रहा है अपने रिएक्शन से। फिगर की जो स्ट्रक्चर होगी उसमें दिखना चाहिए, तब कोई भी ह्यूमन फिगर किसी भी एक्शन में ड्रॉ करना आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब जो भाईबा में क्वेश्चन पूछते हैं वो मैंने पहले भी बताया आपको, भाईबा में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो किसी को पता नहीं होता कैसे क्वेश्चन वो पूछेंगे, ठीक है, आपके आर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने कब से ड्राइंग करना शुरू किया है, आप क्यों ड्राइंग करते हैं, क्यों आप इस डिपार्टमेंट में आए हैं, आप क्या क्या ड्राइंग करते हैं, कैसा आपको अच्छा लगता है, या फिर आपने जो ड्राइंग किया है वो क्यों किया है, उसके बारे में कुछ, जो पेंटिंग स्पेशल जो पेंटिंग होती है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने जो डिपार्टमेंट लिया है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ आर्टिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, बड़े आर्टिस्ट या फिर बड़े जो फेमस पेंटिंग होगी, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो भाईबा में क्या पूछेंगे या किसी को नहीं पता, तो भाईबा में जो भी पूछेंगे आप स्मार्टली उसका आंसर दीजिए, ठीक है, आंसर दीजिए स्मार्टली। आपको नहीं पता होगा तो स्मार्टली आप बोल दीजिए कि आपको नहीं पता है ठीक से, ये भी आप बोल दीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तियाशा पान ने, तुम्हें बोलते पारबे वेस्टर्न पेंटिंग नहीं है पढ़ते कैमन खरच होते पारे, मतलब ये पूछ रही है जो आर्ट कॉलेज है, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज, वहाँ पर जो वेस्टर्न पेंटिंग डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में स्टडी करने के लिए कितना खर्च होता है या फिर कैसा खर्च लगता है। तो मैं सबको बता देना चाहूँगी, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाओ, पहले जो एडमिशन टेस्ट होती है उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद जब एडमिशन हो जाती है आपका, तब 2,500 से 3,000 रुपया एडमिशन के लिए लगता है, उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है कुछ कम भी हो सकता है, मैं परफेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हो उसका जो मटेरियल वगैरह आपको बाई करना पड़ता है या फिर कुछ भी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है वो तो आपको वहाँ पर जितना भी ज़रूरत होगी जितना चीज़ उसके लिए तो आपको वो बाई करना होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने कितने चीज़ आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो वैसे आपका प्राइस होगा। और उसके बाद जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके जो सेमेस्टर वाइज होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, वहाँ पर एडमिशन हर वक्त जो आपको लेते हैं वहाँ पर 1,000 से 1,200 या फिर 1,500 रुपया खर्च होता है जो पर सेमिस्टर वाइज है उसके लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पर बाकी जो आर्ट कॉलेज है उसके मुकाबले थोड़ी सी जो फीस थोड़ी सी कम है। सो गाइज अभी बाहर चल रही है मस्त बारिश, ठीक है, तो थोड़ा सा अंधेरा छा गया था इसलिए मैंने पोजीशन चेंज कर दी, अभी इसी से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये पूछा है आर्ट आनंदा ने, हाय আমি এই ইয়ার আর্ট কলেজে এক্সাম দেবো, টেক্সটাইলে কীরকম এক্সাম হয়, কাজ কেমন করবো প্লিজ বলবেন। তো ইয়ে পুছ রই হে, ইয়ে ভি আর্ট কলেজ মে এডমিশন লেনা চাতি হে, আর ইয়ে জো টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্ট হে ওয়াঁ পর এডমিশন লেনা চাতি হে, তো ওয়াঁ পর কেসে এক্সাম হতে হে। তো মে বতা দেনা চাহুঙ্গি, টেক্সটাইল মে জো মডেল স্টাডি হে ও তো কম্পালসরি হে সবকে লিয়ে, আপকো মডেল স্টাডি জো ড্রয়িং ও তো করনা পড়েগা, উসকে সাথ জো ডিজাইন হতি হে পেপার কে উপর 8x8 10x10 उसके ऊपर कोई भी सब्जेक्ट बोल दिया जाएगा उसको लेकर आपको डिज़ाइन बनाना होता है जो कि इन्फिनिट डिज़ाइन होती है, मतलब आप उसको सजाओगे तो वो इन्फिनिट हो जाएगा। सो गाइज ये थी आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की वीडियो जहाँ पर मैंने आर्ट कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस किया, क्योंकि बहुत लोगों को कुछ डाउट था जो उन्होंने आस्क किया मुझसे कुछ क्वेश्चन, तो मैंने
ट्राई किया कि उन सब का आंसर दे सकूं, तो आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की वीडियो बनाने वाली हूँ, तो अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो मुझसे या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपको मेरे आर्ट के बारे में या फिर मेरे बारे में, तो आप बेझिझक मुझे यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप मुझे SMS करके भी पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगी आप सबके जो क्वेश्चन हैं उनको पिक करने की और उसका आंसर देने की। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी ये फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई भी सजेशन हो इसके बारे में तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं कमेंट करके, मैं ज़रूर उसको देखूंगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए ड्राइंग रिलेटेड ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।